लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेपाल नॉर्थ प्रासी जिले के सुस्ता गांव पालिका नरारी नदी के तट पर थारी घाट में कार्तिक पूर्णिमा का विशाल मेला का आयोजन किया गया, जो भारतीय सीमा बहुवार से 3 किलोमीटर दूरी पर जहां भारत के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर जिले के श्रद्धालु और नेपाल के कई जिलों के श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर थारी घाट में अवस्था की डुबकी लगाई, गंगा स्नान करने के बाद बछिया दान किया और दीप दान भी किया। हम बता दें कि वहां पे उसकी जंगल बहुत मशहूर है, जो उसका आयोजन किया गया जहां पे देखने के लिए दूर दर्राज से लोग आए एकत्रित हुए। बहुवार कला से तय वाली चिश्ती की रिपोर्ट। ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है? इस दिन गंगा स्नान लोग करते हैं, ये कब से शुरू हुआ और क्या क्या इसका महत्व है, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, कार्तिक जो पूर्णिमा है, कार्तिक वो हम लोग के भाषा में उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश कार्तिक भी बोलते हैं। इसमें विशेष रूप से 15 दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, स्नान वगैरह का भी होता है। ये जो है, जो भगवान विष्णु का मीना भी बोला जाता है, विष्णु का उपासना के लिए बहुत ही पवित्र मीना होता है। और इसमें एक तरह से बहुत सी अपने को जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे सावन मीना है, शिव जी के प्रति समर्पित है, तो विष्णु का जो है उपासना के लिए ये पूरा मीना। इसमें बोलते हैं कि पूरे महीने में बहुत से ऐसे त्यौहार है जिसमें कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, क्योंकि वो मतलब विष्णु से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, सारे तुलसी विवाह हो चाहे लक्ष्मी हो, इससे संबंधित सब। और त्रिपुरासुर का भी शिव ने वध किया था, उसने त्रिपुरासुर जो है उसका वध किया था, तो इसको जो है त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। और भगवान कार्तिक जो है, कार्तिक ने जो है उनका त्रिपुरासुर का एक तरह से उन्होंने भी उनको एक वध किया है। तो त्रिपुरासुर जो राक्षस था, तो कार्तिक ने जो है कार्तिक भगवान के नाम से कार्तिक मीना ये प्रारंभ हुआ। ये कार्तिक भगवान जो है उनके रूप में ही इस महीने को माना जाता है। इसमें जैसे महाभारत काल में अपना जब पूरा महाभारत हो गया था, तो वो धर्मराज बहुत दुखी थे कि दुष्टर वगैरह जो है उनका मन में बहुत दुख हुआ और बड़ा मन जो अशांत था, तो उन्होंने गढ़, जो एक गढ़ है अपना हमारा गाजियाबाद के पास ही गढ़ मुक्तेश्वर गंगा किनारे, वो गढ़ मुक्तेश्वर में सभी गणों का उन्होंने 15 दिन वहाँ पर रेक एक किया। आज भी ऐसे जो ग्रामीण भाषा में 15 दिन तक वहाँ पर स्नान का, ये कार्तिक का जो पूर्णिमा का जो मेला होता है वो 15 दिन का होता है, पूरा 15 दिन वहाँ पर लोग रह के। अभी इस टाइम में वर्तमान में भी पूरे सब किसान अपना पूरा अनाज वगैरह ले आके 15 दिन तक अपना कुटिया बनाकर गंगा किनारे स्नान करना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, गीता का पाठ करना, और उसमें जो है वो उपासना करता है। 15 दिन तक जो है वो गंगा किनारे ही वास करते हैं। तो इसमें जो हमारे गुरु है और प्रकाश दिवस, गुरु नानक जी का भी जन्म महोत्सव जो प्रकाश दिवस बोलते हैं, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ। अभी भी 500 से ऊपर वर्ष हो गया, 550 वर्ष के आसपास उनका प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, वो भी 12 तारीख को है। तो ऐसे ही विशेष रूप से जैसे हमारा सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसे ही इसमें बहुत बड़ा ये महत्व है। एक और विशेषता है इस महीने की कि इसमें सभी देवताओं का जो जागृति, जैसे वैकुंठ जो बोलते हैं देव उठान एकादशी, देव उठान एकादशी के बाद में जो अपने सभी देवताओं का पूर्ण रूप से वो जागृति अवस्था में आ जाते हैं और चेतन अवस्था में आकर, तो सारे शुभ कार्य भी जो है वो इसी महीने में प्रारंभ हो जाता है। कि जैसे ही आपका देव उठान एकादशी से लेकर पूरा प्रारंभ होता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को दिन पूर्णिमा, जैसे आपका ये आपका जितने भी दिवाली का पर्व इसी में आता है, कहते हैं कि इसमें एक महीने में कायदे में जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है इस्कुन पुराण वगैरह में, तो उसमें ये एक दिन खाली उसमें जो है तेल लगाना, किस दिन, जो जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है बोले उसी दिन तेल लगाना चाहिए में, और पूरे महीने कोई तेल नहीं लगाना। कुछ ऐसे अनाज है जिनको उस महीने में, इस महीने में ग्रहण नहीं करना है, कुछ ऐसी सब्जियां जो ग्रहण नहीं करना है। तो विभिन्न प्रकारों की बहुत सारा चीज़ों का
बोले इसमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहकर व्रत लेकर नियम लेकर और विष्णु का उपासना चाहे शिव का उपासना, यहाँ पर शैव मत और विष्णु, वैष्णव और शिव दोनों ही प्रकार का ये मतों का उसका इस कार्तिक भगवान को उपासना कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत बड़ा तुलसी विवाह का भी इसमें महत्व होता है, कड़वा चौथ का भी जो है इसी में ही होता है। तो इस महीने में पूरा महीना एक तरह से देवताओं का समर्पित, देवताओं का उपासना का, और मनुष्य साधारण मनुष्य है उसको ऊर्जा प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, और अपने शक्ति प्राप्त हो गए उस शक्ति को समन्वय करके अपनी अपनी दृष्टि को समन्वय बनाकर समदृष्टि के जैसा अपने को बनना, जैसे जगत का पालन करने वाला विष्णु भगवान होता है, जगत का पालन करना विष्णु भगवान का, तो ऐसे ही मनुष्यों में भी ये बुद्धि आए और प्रत्येक मनुष्य को एक महीना साधना करके अपना पूरा उपासना करके आगे जो 11 महीना है उनके उनमें जो है अपने जीवन को संतुलन बैलेंस कैसा बनाना, संतुलन कैसा बनाना और जीवन को अपने सात्विक जीवन को जीने के लिए कि एक महीना पूर्ण रूप से शाकाहारी रहकर और किसी प्रकार का कोई नशा ना हो, कोई व्यसन ना हो और सारे चीज़ों को एक महीने का उपासना करें। कम से कम 21 दिन का शास्त्रों में महत्व बताया, 21 दिन कार्तिक में तो महत्व पूर्ण रूप से करना चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता तब बोला कि भाई गंगा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में गंगा किनारे या किसी भी देवालय में शिव जी का विष्णु का मंदिर में जाकर दिए जलाना, दीप जलाना कि अपना जो प्रकाश है जीवन का वो भी दूर करना और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाना, अपने जो अंधेरे से उजाले की ओर जाना, यही है कार्तिक का महत्व।